हमने सोचा कहीं पेंशन भोगी है, कहीं कर्मचारी है, इनका एरियर भी मिलना चाहिए, इनकी भी मिलनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कर्मचारी को मिलेगा एरियर का लाभ। सीएम सुक्खू ने सदन में दिया बयान, 1 मार्च 2024 से कर्मचारी को मिलना शुरू हो जाएगा डीए, एरियर, ग्रेच्युटी और लिव एनकैशमेंट। विधानसभा में बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डीए और एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 1 मार्च 2024 से कर्मचारियों पेंशनरों को डीए, एरियर और लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी सहित सभी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बात सीएम सुक्खू ने खुद बजट की चर्चा के दौरान सदन में कही है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि पिछली सरकार ने 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान दिया, 10,000 करोड़ का एरियर वर्तमान सरकार पर छोड़ दिया, चुनावी लाभ लेने के लिए ये सब किया गया। भाजपा कहती रही कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर हम विचार कर रहे हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ देंगे, लेकिन वो तब भी झूठ बोलती थी और आज भी झूठ बोल रही है कि कर्मचारियों की 40% पेंशन कम की जा रही है। बजट में कर्मचारियों के लिए 1 मार्च से लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, डीए, एरियर सहित सभी चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। ये सब लाभ आचार संहिता से पहले देने शुरू कर दिए जाएंगे और बजट में चूंकि इसकी घोषणा हो चुकी है तो ये लाभ कर्मचारियों को 1 मार्च 2024 से मिलना शुरू हो जाएंगे और ये सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए नहीं किया है। हमने सोचा कई पेंशन भोगी है, कई कर्मचारी है, इनका एरियर भी मिलना चाहिए, इनकी ग्रेजुटी भी मिलनी चाहिए, इनकी लीव एनकैशमेंट भी मिलनी चाहिए, कोई ना कोई तरीका निकाला। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट में हमने कर्मचारियों के लिए कहा कि चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2024 से ये सब चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। नहीं, आप तो मुख्यमंत्री रही है, जब बजट पास हो जाता कोड ऑफ कंडक्ट उन पर लागू नहीं होता, उनको 1 अप्रैल 2024 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। 1 मार्च, 1 महीना पहले ही कर दे रहे हैं, आपके कोड ऑफ कंडक्ट का भी समाधान ढूंढ लिया। 1 अप्रैल नहीं, 1 मार्च, 1 मार्च तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा। 1 मार्च 2024 से लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुटी के चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब कोड ऑफ कंडक्ट की टेंशन तो दूर होगी। ठाकुर साहब, हम सरकारी कर्मचारियों को लाभ इसलिए नहीं दे रहे कि हमको राजनीतिक लाभ उठाना है। हम उनके जो उनकी कार्य प्रणाली है, जिस प्रकार वो अपना समय निकालकर प्रदेश के विकास की गाथा लिख रहे हैं, उस हिसाब से हम उनके उनको लाभ देना चाह रहे हैं।